नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ एक बार फिर से मैं हूं पूजा यादव। आज एक नहीं बल्कि दो दो खास शख्सियत हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक है जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा, दूसरे हैं हजका के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो दोनों ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इन दिनों जुटे हुए हैं, गठबंधन में आ चुके हैं। हजका अलग हुई भाजपा के साथ में और अब विनोद शर्मा और कुलदीप बिश्नोई दोनों ही साथ साथ हैं। सबसे पहला सवाल बिश्नोई जी आपसे मेरा रहेगा, भाजपा से आप अलग हुए, सबसे बड़ी वजह उसकी क्या रही? आप लोगों के अलग होने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? उनकी मौका प्रस्ती और उनका रवैया, क्योंकि 3 साल से लगातार मैं उनको सफ़र करता रहा और इस उम्मीद में कि मैं अपनी जबान पे खड़ा हूँ और वो अपना वादा पूरा करेंगे। मैंने हर पल पल उनकी हर बात को बर्दाश्त करके अपना वादा पूरा किया और जब उनका काम निकल गया तो उन्होंने रंग दिखाने शुरू किए। वो सबसे बड़ी वजह थी कि उनकी सोच का मुझे पता लगा। इनकी धारणा को जनता के विकास की नहीं है, इनकी धारणा कुछ काम करने की नहीं है, स्वार्थ की धारणा है और मैं ऐसे स्वार्थियों के साथ नहीं बैठ सकता था। ठीक है, आप अलग हुए, इसमें आप अनिल विज की अगर हम बात करते हैं उनकी भूमिका क्या मानते हैं? क्या उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो इंटरनली इस तरह की जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर रहे थे कि आप दोनों अलग हो जाएं? देखिए, बात सिर्फ किसी एक नेता की नहीं है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक आध आदमी को छोड़ के सभी की प्रवृत्ति यही है। जिनकी परवरिश ऐसी रही हो उल्टे काम करने की, उनसे अच्छी बात की उम्मीद कहाँ कर सकते हैं। तो सिर्फ एक आधा नेता उन पार्टी में अच्छा हो सकता है, अलबत्ता तकरीबन लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं। शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल, आप बिश्नोई साहब के साथ में आते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मतलब क्या खासियत लगी आपको हजका के अंदर ऐसे कि आप लोग को लगा कि हम दोनों को साथ में हो जाना चाहिए? देखिए, राजनीतिक समीकरण बनते हैं अगर आपकी सोच मिलती हो। मैंने देखा कि कुलदीप बिश्नोई जी के जो विचार हैं, उनकी पार्टी के जो विचार हैं, हमारी पार्टी से मिलते हैं। वो क्षेत्रवाद का भेदभाव हो या फिर नौकरियों में भेदभाव हो या बराबर का मौका ना मिले सबको आगे बढ़ने का, ऐसी बातों के ऊपर कुलदीप बिश्नोई जी की हरियाणा जनहित कांग्रेस के जो विचार हैं हरियाणा जनहित पार्टी के साथ बिल्कुल मेल खाते थे। तो सम विचारक लोग कभी ना कभी राजनीतिक मंच पर इकट्ठे होते हैं ताकि हम एक अच्छी सरकार लोगों के लिए दे सकें, इसलिए हमने ये फैसला किया। देखिए, आप भी कांग्रेस के अंदर रहे काफ़ी लंबे वक्त तक, आप भी कांग्रेस के अंदर रहे, फिर आप जब अलग हुए तो आपने कहा कि इंटरव्यू सिस्टम खत्म होना चाहिए, नौकरी में भेदभाव हुआ है। सवाल उठते हैं कि आप तब तक क्यों खामोश रहे? जब आप पार्टी से अलग हो जाते हैं उसके बाद आप एक नई पार्टी का गठन करते हैं, फिर आप हजका के साथ में गठबंधन भी करते हैं और फिर आप इंटरव्यूज को ख़त्म करने की बात भी करते हैं, ऐसा क्यों? आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने पार्टी में रहते हुए इसके ऊपर सवाल नहीं उठाए हैं? मैं जब पार्टी में था तो भी मैंने इस पर प्रश्न उठाए और मैंने हमेशा कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर है कुछ लोगों के पास और डिस्क्रिशनरी पावर का जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंचाया जाता है और जो लोगों को फ़ायदा पहुंचा है उनको नौकरियां मिली हैं, लेकिन जो लोग वंचित रह गए हैं, जो काबिल से, जो डिज़र्विंग थे, उनको नौकरियां नहीं मिली हैं, उनके लिए हमने लड़ाई छेड़ी है। जब मेरी बात नहीं सुनी गई पार्टी में, और भी बहुत सी बातें थी, सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं था, लेकिन जब नहीं सुनी गई तो हमने ये फैसला किया कि हम कांग्रेस को छोड़ेंगे। लेकिन इंटरव्यू सिस्टम को खत्म करना, इंटरव्यू सिस्टम को खत्म करना, ये कहां तक आप इसको जायज मानते हैं? मतलब किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी अगर इंटरव्यू को खत्म कर दिया जाता है? सही ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि अब मैं 2 शब्दों में बता सकता हूं कि इंटरव्यू जब आप करते हैं किसी की काबिलियत और लियाकत को नहीं भांप सकते हैं अगर आप सही मायनों में बैठे, लेकिन अगर आप इसी सोच के साथ बैठते हैं कि इंटरव्यू के जितने नंबर हैं उनमें मैक्सिमम नंबर हमने किसी खास वजह से किसी खास व्यक्ति को देने हैं तो इंटरव्यू के मायने कोई नहीं है। फिर क्या रिटर्न के आधार पर होना चाहिए भर्ती? नॉट ओनली रिटर्न, यू कैन सेट योर पैरामीटर्स कि रिटर्न एग्जाम में अगर किसी के मार्क्स आए हैं और आप चाहते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी है, आप 60% उसकी पैरामीटर रख दीजिए कि इससे कम की एप्लीकेशन नहीं आएगी। उसके बाद जितनी एप्लीकेशन आती हैं, व्हेन यू प्रोसेस देम, सपोज आपने 5,000 नौकरी देनी है, 1,00,000 एप्लीकेशन आई है, सो यू गो हेड विद दिस कि हमारे 60% के ऊपर तो एप्लीकेशन आई है, बट अलॉन्ग विद दैट द बॉयज हु हैव गॉट और गर्ल्स हु हैव गॉट मोर देन 80%, उनको 5 ग्रेस मार्क मिलेंगे। जो 90% से ज़्यादा है उनको 5 ग्रेस मार्क और मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस के इतने मार्क्स होंगे। सो यू हैव, यू आर नॉट लीविंग इट टू ए चांस, आप सेटल कर देते हैं कि ये मार्क्स आप उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसका पैरामीटर सेट करेंगे, आप उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनका पैरामीटर सेट करेंगे, यू मीन कि ये एक बेटर ऑप्शन है अगर हम? ऑफ कोर्स, जब आप कर देंगे एंड पुटिंग दैट इनटू द कंप्यूटर एंड देन मेकिंग ए लिस्ट विद दीज पैरामीटर, यू विल गेट ए लिस्ट फ्रॉम 1 to 1 lakh पीपल, दोज़ हु अप्लाइड,
If there are 5,000 jobs, that means the first 5,000 people are the people who are excelling. Who are the people who have come first 5,000 and you can give jobs to them. चलिए ये बात तो हुई. आपने कहा कि आप अकेले नहीं है कांग्रेस को छोड़ने वाले. ऐसे कई और भी चेहरे हैं जिनको मलाई खोर कह रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिनको चाइनीज पूजा तक करार दे रहे हैं. इस तरह की बातें वो क्यों कर रहे हैं? नेताओं की बात नहीं करता हूं मैं, सिर्फ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारा आक्रोश तो है, नेताओं ने छोड़ी है, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि लोगों ने भी छोड़ी है? इस तरह की बयानबाजियां देना, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर खुद सीएम साहब, वो कहते हैं कि जिनके अंदर खुद कैपेबिलिटी नहीं है या फिर जिनको लग रहा था कि उनकी टिकट कटेगी, वो लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो लोग अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, उसकी आप वजह क्या मानते हैं? उनमें से मैं तो नहीं हूँ, ना तो कैपेबिलिटी के मामले में अपनी कोई कमी है, ना हम टिकट कटने की वजह से छोड़ के आए हैं. हमारा तो मुद्दा ही दूसरा था, हम तो लोगों की वजह से छोड़ के आए हैं. टिकट की कोई मुश्किल नहीं थी और मेरे को कैपेबिलिटी अपनी जो है वो लोग बता देंगे. दो बार बता चुके हैं, 2005 में और 2009 में. लोकसभा चुनाव के दौरान भी हजका के साथ में आप कांटेक्ट में आए थे, उस दौरान में सुषमा स्वराज की नाराजगी सामने आई थी, ये और ये बंधन उस वक्त नहीं बन पाया था, लेकिन आप लोग आखिरकार सफल हो गए. देखिए, वो बंधन सफल उस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए नहीं हुआ. ऐसा नहीं कि हमारा बंधन टूट गया था उसके बाद. हमारी समविचारक होने की पुष्टि तो इसी बात से हो जाती है कि लोकसभा से पहले भी हम इकट्ठे थे. लेकिन अगर भाजपा को ये एतराज़ था, कुछ नेताओं ने एतराज़ किया, तो कुलदीप बिश्नोई जी क्योंकि ये चाहते थे कि ये गठबंधन ना टूटे, ये चाहते थे कि ये गठबंधन का धर्म अपनी तरफ से निभाते रहें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्होंने बर्दाश्त की जो ये राजनीतिक तौर पर नहीं करना चाहते थे. मुझे कोई एतराज़ नहीं. चल रही हैं बिश्नोई जी विधानसभा चुनाव को लेकर? बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हैं, और तैयारी के अलावा जो हमारे मेरे हरियाणा वासियों का आशीर्वाद जो हमारे ऊपर है वो सबसे बड़ा मैटर करता है. और 33 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, और इतना ज़बरदस्त प्यार उस साल लोगों का हमें को देखने को मिल रहा है जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन के इतिहास में नहीं देखा. भाजपा के साथ आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा बेहतर अच्छा एक फ्यूचर देख पा रहे थे, या फिर अब आप ज़्यादा बेहतर अच्छा फ्यूचर देख पा रहे हैं? अब ज़्यादा बेहतर देख पा रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ज़बरदस्त घुटन महसूस हमें हो रही थी, और दबाव की राजनीति और झूठ और फरेब की राजनीति वो करना चाहते थे जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था. तो उससे बाहर आके निसंदेह मुझे बहुत अच्छा लगा. और फिर उसके विनोद जी जैसे एक बहुत ही सीनियर राजनीतिज्ञ है और इतना लंबा होड़ा इनका एक्सपीरियंस है, इनका आशीर्वाद मिलने का मुझे सोने पर सुहागे वाली बात. अच्छा, दिग्विजय सिंह चौटाला की अगर हम बात करते हैं, बयानबाजियां बड़ी तीखी हो गई हैं आपको लेकर भी. उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई हर महीने गठबंधन को चलाने के लिए एक मोटा पैकेज दिया करते थे, इसमें किस हद तक सच्चाई है? नहीं, देखिए, उनको बोलिए अगर उस बात को साबित करें सार्वजनिक मंच पे, तो कुलदीप बिश्नोई हजका पार्टी उनके साथ मर्ज कर देगा. मैं एक ईमानदार और सिद्धांत वाला आदमी हूँ, ना मैंने कभी पैसे की राजनीति करी, ना मैं आगे पैसे की राजनीति कभी करूँगा. लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि अगर आप हार जाते हैं तो आप राजनीति छोड़ देंगे, तो क्या? देखिए, इस एवज में मेरी धर्मपत्नी रेणुका जी ने भी इस्तीफा दिया विधायक से. कोई आदमी गाँव की सरपंच ही नहीं छोड़ता. अगर हमने ड्रामा किया होता, मेरी वाइफ से इस्तीफा नहीं दिलवाता मैं. मेरी वाइफ ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह लोगों का प्यार बना, लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की, ढाई ढाई दिन तक लोगों ने बिजली ना पानी पिया ना खाना खाया, तो आफ्टर ऑल मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को लगा कि भाई आज जनता को जरूरत है, मैं इनको किसके सारे छोड़ के जाऊँ, तो फिर मैं वापस आया. अच्छा, आजकल सीएम की बड़ी ज़्यादा दौड़ मची हुई है, हर कोई खुद को सीएम बता रहा है, आप भी ये प्रबल दावेदार हैं सीएम पद के. ऐसे में दुष्यंत सिंह चौटाला इनेलो की तरफ से लोग ये कहते अक्सर नजर आते हैं, जैसे कि वीरेंद्र सिंह को लेकर कहा कि अगर किसी में भी अगर कोई सच में मानकर चल रहा है कि वो सीएम बनने के लायक है तो उचाना से चुनाव लड़े, चाहे वीरेंद्र सिंह हो चाहे खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो. तो अब आप भी एक उस लाइन के अंदर ही हैं, तो आप उनकी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं क्या? देखिए, मैं पहली बात तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री की लाइन में बहुत लगे, मेरे को किसी प्रकार की कुर्सी का कोई स्वार्थ नहीं है. अगर मैं कुर्सी का लालची होता तो 2006 से लेकर अभी तक बहुत मौके मुझे मिले केंद्र में मंत्री बनने के, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के, फिर केंद्रीय मंत्री बनने के. मेरा बिल्कुल कुर्सी का लालच नहीं है, मैं जनता को एक अच्छी सशक्त जवाबदेह और ईमानदार सरकार देना चाहता हूँ, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ जनता के लिए. और जहाँ तक चैलेंज की बात है, चैलेंज तो कोई कहीं से देना चाहिए, कुलदीप बिश्नोई चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला आदमी है. और भाजपा के लोग तो यही कहते हैं कि आपने ये कुर्सी का मोह नहीं छोड़ा, यही वजह कि आपने गठबंधन को तोड़ा. भारतीय जनता पार्टी की कुछ भी कहे उसकी कोई जनता विश्वास नहीं करेगी, भारतीय झूठी पार्टी है. शर्मा जी, लगातार ये हो रहा है कि कोई ना कोई किसी पार्टी में जा रहा है, आप लोग अभी साथ में गठबंधन में हैं, क्या किसी और के आने की गुंजाइश है साथ में? हमने कहा कि जैसे हमारी सोच है वैसी किसी की सोच हो, जो हम करना चाहते हैं वो भी करना चाहते हों, और जो समविचारक लोग हैं और पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन में हमें कोई एतराज नहीं है. अरविंद शर्मा बसपा में शामिल हुए हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां बसपा की उन्होंने संभाली हैं,
उनसे आप लोगों की जो सोच है वो मिलती है क्या? बीएसपी से मैं समझता हूँ कि वो भी पिछड़े लोगों का, उन पीड़ित लोगों का जो वंचित रह गए हैं उनका, उनकी आवाज़ उठाती है। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम बल्कि चाहते हैं कि ऐसा गठबंधन बने जिसमें बीएसपी भी शामिल हो, ताकि हम मिलकर एक सशक्त रूप से एक अच्छी सरकार बना के दे सके। यानी महागठबंधन को जोर मिलता है? देखिए, अगर लाइक माइंडेड लोग साथ आते हैं कि नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, नॉन चौटाला सरकार का फ्रंट हम बनाएं, एक जो हमारा लक्ष्य है कि अच्छी जवाबदेह सरकार देने का, समान विकास, समान रोजगार का, ऐसे में अगर महागठबंधन में, अगर मतलब हरियाणा के तीसरे मोर्चे के लिए हम पहला मोर्चा हैं, बाकी दूसरा तीसरा कर दीजिए ना। चलिए अच्छा, और भी अगर हम वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं, वीरेंद्र सिंह को क्या आप लोग चाहेंगे कि वो भी आपके साथ में जुड़ जाएं? बड़े नेता हैं, जाट नेता हैं। अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं, निसंदेह उनका भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है और अच्छे कद के नेता हैं, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे तो ये हमारे लिए, उससे हमें मजबूती मिलेगी। अच्छा, आप लोग कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं इस बार, काफ़ी सारे मुद्दों को आप लोग लेकर जा रहे हैं, मुख्य मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो वो मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए जी, हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। जैसे मुद्दों की आपने बात की, हरियाणा में सिर्फ मुद्दे ही तो दिए हैं मौजूदा सरकार ने, ऐसे पहले चौटाला सरकार ने, चाहे वो रोजगार में भेदभाव का है, चाहे पानी का है, SYL के निर्माण का है, चाहे बिजली का मुद्दा है या समान विकास का मुद्दा है। तो सरकार ने मुद्दे, या वो महिलाओं के प्रताड़न का है, दलितों के प्रताड़न का है, हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे लोगों के बीच में जाने का। आज हम सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज है वो लोगों को एजुकेट करने का है कि भाई आपको एक अच्छी सशक्त अगर हरियाणा चाहते हो तो अच्छे और ईमानदार लोगों के नाम पर ही आपको वोट देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा देखिए कैंडिडेट से पहले, कि आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे चीफ मिनिस्टर ही है जो प्रदेश को चलाएगा, उनके भाग्य का विधाता एक तरीके से होता है। क्या CM साहब में खामियाँ ही खामियाँ हैं शर्मा जी? अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करते हैं तो क्या उनके अंदर खामियां ही खामी, जैसा कि उनके ऊपर आए दिन आजकल बड़े कटाक्ष हो रहे हैं? तो और किस पे करेंगे, जो सरकार में हैं, जिसने सरकार चलाई है 10 साल, अगर कुछ हुआ है नहीं हुआ मतलब तो सरकार हुआ, आप ये कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं हरियाणा के अंदर इन 10 सालों के अंदर? मैं कह रहा हूँ कि जो हरियाणा में हो सकता था वो क्यों नहीं हुआ? क्या आप चाहती हैं कि हम ये कहें कि एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसके अगर हम कहेंगे 33% मार्क्स आ गए हैं, हम कहें भी इसको क्रेडिट देना चाहिए कि 33% लेके पास हो गया? हम चाहते हैं क्यों नहीं, जब हम 80% ले सकते थे हरियाणा में, हमने 80% क्यों नहीं लिए? हम हरियाणा को सही मायनों में नंबर 1 बना सकते थे, हरियाणा बहुत आगे बढ़ सकता था, वी हैव मिस्ड द बस। और हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घिरता है, प्रॉक्सिमिटी टू नेशनल कैपिटल, प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसा विनोद ने सही कहा कि ये हरियाणा मिस द बस। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास जब इकॉनमी बूम कर रही थी, आप नेशनल कैपिटल के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, इतना बिजनेस एम्पायर आप सेटअप कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। तो लोगों को गुस्सा तो है ही, बिजनेस एम्पायर हम सेट करवाते, इंडस्ट्री लाते, कारखाने लाते, रोजगार मिलते, रेवेन्यू जनरेट होता, आज हरियाणा के ऊपर 1 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा चल रहा है। तो चीफ मिनिस्टर की सोच नहीं है, विजन नहीं है, इज़ ए विजनलेस मैन। लेकिन वो तो कहते हैं कि हरियाणा के अंदर आज तक विकास हुआ ही नहीं, कम से कम ने विकास की शुरुआत तो की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आज अगर विकास के मुद्दे पर राजनीति हो रही तो कम से कम ये हमारी बदौलत है। देखिए, अगर विकास की बात अगर वो करते हैं तो इसका रिजल्ट मैंडेट देता है, वोटर देता है, और जैसा हाल ही में नतीजा आया लोकसभा चुनाव में, 9 में से 1 सीट सिर्फ जीत पाए, 10 में से 1 सीट जीत पाए, 9 हारी है कांग्रेस पार्टी। तो अगर विकास हुआ होता तो लोगों का गुस्सा वोट के रूप में क्यों निकलता है इनके खिलाफ? अगर हार ही, देखिए हार ही अगर पैमाना है बिश्नोई साहब, तो इस बार आपको भी हार का मुंह देखना पड़ा, उसकी वजह फिर क्या रही? देखिए, एक इलेक्शन हारना सब कुछ निर्धारित नहीं कर सकता है। मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, 4 जीता हूँ, और 4 चुनाव मेरे बहुत महत्वपूर्ण और सबसे आई ऑफ द मीडिया ऑफ द कंट्री चुनाव थे, जहाँ भिवानी का चुनाव था, सुरेंद्र चौटाला को हराया, या हिसार का चुनाव था, अजय को हराया। देखिए, हरियाणा के अंदर हो चाहे पूरे देश की बात हो, इस बार तो मोदी लहर थी, आप लोग गठबंधन में थे उस दौरान में, फिर भी आप लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, मेरे खिलाफ आपने कहा कि अगर भाजपा के साथ MP हैं तो उसमें मेरी भूमिका भी बहुत अहम है, तो वहां पर आपकी भूमिका रही अहम उन लोगों के लिए, लेकिन आपकी अपनी ही भूमिका में वो ज्यादा काम नहीं कर पाए। आपके 2 प्रश्न है, सबसे पहला तो लोगों ने अलायंस को वोट दिया, हजका भाजपा अलायंस था भारतीय जनता पार्टी के पास 80% इलाकों के अंदर, आज भी ना उनके पास कार्यकर्ता हैं ना उनके पास वोटर है। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आज मेरा काडर सबसे मजबूत है, उनके झोले पोलिंग के दिन या और दिन मेरे लोगों ने पकड़े, एजेंट मेरे लोग बने उनके, लोगों ने हमारे गठबंधन को वोट दिया था। और जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपका मेरी हार का था, 9 में से 6 हलकों के अंदर मैं जीता हूँ, बाय इलेक्शन से अभी तक 2 साल में 1,13,000 वोट मेरा बढ़ा है। मुझे, मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया है,
पहली बार महागठबंधन हुआ जिसमें कांग्रेस, चौटाला, बीजेपी, बादल साहब और बाबा रामदेव ने इकट्ठे होकर षड्यंत्र किया और एक नकली सीडी बनाई एक जाति विशेष के बारे में कि कुलदीप आपके खिलाफ है। तो हर प्रकार का षड्यंत्र करके मेरे अपने लोगों ने मारा है। उसमें जैसा वो कहा है कि भाई मुझे तो अपनों ने ही मारा, गैरों में कहाँ कम था, कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी या पानी कम था। शर्मा जी, अगर हम टिकट बंटवारों को लेकर बात करते हैं, आप दोनों गठबंधन में फिर टिकट का बंटवारा किस तरीके से होगा? मान लीजिए और भी लोग आपके साथ में आ जाते हैं और सभी के अपने अपने सपोर्टर्स होते हैं, हर कोई चाहता है कि उनके अपने लोगों को भी टिकट मिले। देखो, हमारे आपस का जो गठबंधन है उसके बारे में टिकट बंटवारे में कोई दो राय नहीं है। हमारा उसके ऊपर हो चुकी है बातचीत, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, कोई दूसरी समविचारक लोगों के साथ, पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होता है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, अभी महागठबंधन का जिक्र हो रहा है लेकिन अरविंद शर्मा कुछ दिनों पहले कहते हुए नजर आए थे कि हम किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती जी ने, बहन जी ने मना किया है कि हम किसी के साथ में गठबंधन में नहीं जाएंगे, फिर अब महागठबंधन की बातें, ऐसा क्यों? ये नेताजी बार बार बातों से क्यों बदल जाते हैं? राजनीति में संभावनाओं से इनकार कभी नहीं किया जाता। संभावना या फिर कई बार कुछ सेटलमेंट्स भी होते हैं, कहीं पर बात नहीं बन पा रही होती है, किसी की शर्तें होती हैं जो नहीं मानी जाती हैं, उसके दबाव के चलते बात नहीं बन पाती है। कई बार संभावनाओं से ही ऐसी बातें निकलती हैं, संभावना बनती है, बिगड़ती है, जब फिर बातचीत हो जाती है तो संभावना बन जाती है। तो संभावना तो एक परमानेंट फीचर है, संभावना तो रुकती नहीं, लेकिन कुछ गिव एंड टेक हो जाता है कि आपने मान ली या उन्होंने कोई बात मान ली, ऐसी बात होती है। जब हम दो लोग बैठते हैं किसी बात पे चर्चा करते हैं, किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, तो दोनों के विचार हो सकते हैं थोड़े थोड़े भिन्न, बातचीत के जरिए उनको ठीक किया जा सकता है। कितनी आप लोगों को लगता है, आप कितना विश्वास कर रहे हैं, कितनी सीटें आप लोग इस बार निकाल जाएंगे? मेरा और विनोद जी का गठबंधन है वो स्वीप करेगा हरियाणा में, और बाकी लोगों को हम 19 तारीख को जवाब देंगे। फिर भी अगर आप किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं तो क्या आपका स्टैंड क्या होगा? मैं इस बात का जवाब दे सकता नहीं क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत जनता हमें देगी। हम एक चीज देखते हैं कि हवा का बड़ा जोर चलता है। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी अगर जीते हैं तो ये भी माना जाता है, आप लोग खुद भी कहते हैं कि एक मोदी नाम की हवा थी जिसके जरिए लोग जीत गए, हरियाणा में ऐसी कोई हवा है किसी के भी नाम की? देखिए, राजनीति में आपने कही कहा कि हवा की बात होती है, हवा राजनीति में ओवरनाइट भी चेंज हो जाती है। लोकसभा के अंदर मोदी साहब की हवा थी, उसके बाद कितने राज्यों के अंदर बाय इलेक्शन है जबकि आज भी नतीजा आया है, बीजेपी के विपरीत लोगों ने वोट दिया है। तो हवा लोकसभा में क्या थी, विधानसभा में वो हवा रहेगी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हरियाणा में सिर्फ जनता की हवा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कई ऐसे मसले हैं, भ्रष्टाचार को लेकर आपके पास भी कुछ इस तरह के सबूत हैं कि सीएम साहब के कार्यकाल के अंदर ये चीज़ें बहुत गलत हुई हैं? देखिए, बातें तो हर कोई करता है लेकिन जब जनता को सबूत मिलता है तो बात को दम भी मिलता है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पास? देखिए, सबूत है, सबसे बड़ा सबूत जनता है आपको। जैसे मैंने अभी कहा, जो रिजल्ट दिया लोगों ने सरकार के खिलाफ दिया, और हमारे पास पुख्ता सबूत हर चीज़ के हैं। सरकार आएगी तो बिना किसी द्वेष की भावना के, मेरा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, गलत काम किए, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं किसी पार्टी के भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको हर हालत के अंदर हम सबक दिखाएंगे। अच्छा, परिवारवाद की राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? परिवारवाद की राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है हरियाणा के अंदर। देखिए, मैं इस पर, परिवारवाद अगर राज्यसभा के MP बना के भेजती हो तो मैं उसके खिलाफ हूँ, वो परिवारवाद होता है। हम पब्लिक सर्वेंट हैं, पॉलिटिशियन डॉक्टर ही पब्लिक सर्वेंट होता है, लॉयर भी पब्लिक सर्वेंट होता है। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और होता है उससे बेहतर डॉक्टर हो, तो क्या उसको लोग रोकेंगे डॉक्टर बनने से? एक पॉलिटिशियन का बेटा इलेक्शन लड़के आता है जिसके खिलाफ 40-40, 45-45 कैंडिडेट और खड़े हैं और जनता उसको वोट देके उस पर विश्वास करके आशीर्वाद देती है, तो वो परिवारवाद नहीं होता है। 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 90 के 90 परिवार के लोग लड़े तो परिवारवाद है। 2 या 3 सीटें परिवार लड़ता है और जनता उनको आशीर्वाद देती है। आप भी कांग्रेस से जुड़े रहे, विनोद शर्मा जी भी कांग्रेस से जुड़े रहे, अरविंद शर्मा भी कांग्रेस से जुड़े रहे, आप तीनों के साथ होने की बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में गोपाल कांडा भी हैं, आप उनको क्यों अकेला छोड़ रहे हैं? जहाँ तक गोपाल कांडा जी का है सवाल है, वो हमारी अलायंस का ये फैसला है कि उनको हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। कैसी इस वजह से? क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत सीरियस अटैम्प उनके ऊपर हैं, ये वजह? ये भी एक कारण है कि उनके पास एलिगेशन बहुत ज्यादा है, ये भी कारण है, और जो कारण है उसका खुलासा हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अलायंस का ये फैसला है कि गोपाल कांडा के साथ हमारा अलायंस महागठबंधन में हम नहीं लेंगे। मान लीजिए अवतार सिंह भड़ाना अगर आपके साथ में आना चाहें, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? नहीं, अभी तो इस बारे में हमारी, जब आएंगे उसके बाद हम सोचेंगे, लेकिन अगर ऐसी धारणा उनकी रही तो हम लेके नहीं आएंगे। मतलब धारणा बदल जाती है तो शायद उनके लिए कुछ ऑप्शन खुल सकते हैं? इट्स वेरी प्री मैच्योर फॉर मी टू से दैट। अच्छा, भाजपा के अंदर सीएम की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत सारे चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या मानते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्लियर करना चाहिए,
ताकि जनता वोट किसको दे, किसके हाथ में अपना भविष्य दे, वो क्लियर होना चाहिए। और ये जो मुख्यमंत्री कई दावेदार बने हैं, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बने हैं। ये लोगों को झूठ बोल के वोट ले लें, जैसे मैंने पहले कहा भारतीय झूठी पार्टी नाम होना चाहिए इनका। तो हर इलाके में हर आदमी, हर कैंडिडेट अपने आप को मुख्यमंत्री साबित करके लोगों से वोट करके, वोट गुमराह करके वोट लेना चाहता है। लेकिन ये एयर बीजेपी को क्लियर करनी चाहिए कि भाई किसके चेहरे को दिखाकर वो लोग भरोसा करके वोट दें। देखिए, ऐसा आप लोग भाजपा के ऊपर कह रहे हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि इंटरनली ये जो पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, कांग्रेस से छटक छटक के जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये लोग भी इंटरनली हुड्डा साहब को सपोर्ट करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हम आरोप पर यकीन करने लग जाए तो बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। करना होता पिछली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता मैं 7 जन्म तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सपोर्ट नहीं करूंगा। और शर्मा जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, कुछ ऐसा है क्या? किसी हालत में भी नहीं, बड़ा सोच समझ के फैसला लिया है। अगर हमने पार्टी छोड़ी है तो इसलिए छोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ जो हैं जन विरोधी हैं। आप क्या सोच सकते हैं मैं किसी जन विरोधी पार्टी की सपोर्ट करूँगा? मैं क्यों करूँगा? लेकिन आप उनके साथ में रहे हैं, चाहे आपने आवाज़ें ही उठाई हों, लेकिन आप उनके साथ में रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, राजनीतिक जीवन में 40 वर्ष कांग्रेस में रहा हूँ, तो 40 वर्ष के जीवन में बहुत से लोगों के साथ कांग्रेस में रहा हूँ। मैं नाम गिनाने लगूँ तो बड़ी भारी फरिस्त बन जाएगी। देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि तब तक टिके रहते हैं जब तक अपने काम पूरे होते रहते हैं, जब नहीं हो पाते आपको तो एक, एक काम बता दीजिए, मेरे काम होते रहे। मेरी तरफ से आरोप नहीं है, वो भी कहें वो बताएं किस काम की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से सीएलयू की अगर हम बात करते हैं, ये जो सीएलयू प्रकरण सामने आया, इसके अंदर भी कई जो कांग्रेस के चेहरे हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके नाम सामने आए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सच में ऐसा होता है कांग्रेस के अंदर? जी आई डोंट नो, ये तो सीडीज आई हैं, सीडीज पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन भी है और केस भी चल रहा है। लेकिन फिर भी आप कांग्रेस के अंदर रहे, देखिए इंटरनल चीजें क्या चल रही होती है पार्टी के अंदर वो सबको मालूम होती है। मान लीजिए ये कोई ऐसी सार्वजनिक तो बात तो नहीं होती भी, कोई क्या कर रहा है सबसे बात करके करेगा मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी पार्टी में क्या चल रहा होता है, लोग किस तरह के हैं, ये अक्सर आइडिया लग जाता है। नहीं, हमें ये किसी को बुरा देखना, किसी की बुराई सोचना, किसी के बारे में ये सोचना भी ये क्या करता है, ये तो मैं अपना फर्ज नहीं समझता हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। देखिए, अगर जिस प्रकार से सीडी सामने आई है तो कुछ ना कुछ दाल में काला या काली दाल तो है, तभी तो सीडी बनी है। तो निसंदेह इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीबीआई के माध्यम से। और मान लीजिए आप, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार और हम सरकार बनाएंगे, सरकार आप बनाते हैं तो यानी आपकी पार्टी में 3-3 मुख्यमंत्री हो गए, आप भी सीरियस वाइज हम देखेंगे? नो, हमारी पार्टी नहीं, हमारे गठबंधन ने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी है, कुलदीप विश्नोई मुख्यमंत्री बनेंगे और हम जीतेंगे। 5 साल के पूरे कार्यकाल में पूरे 5 साल के लिए हमारा गठबंधन कुलदीप विश्नोई जी, अरविंद शर्मा जी इस बात पे तैयार हो जाएंगे अगर वो कल को आपके साथ में आ जाते हैं तो? अभी देखते हैं, अभी वेरी अर्ली फॉर दिस टू से, पर अलायंस का सीएम कुलदीप विश्नोई है, ये विनोद जी ने भी आशीर्वाद दे के कहा, और जो भी हमारे साथ आएगा इसी टर्म कंडीशन पे चलना पड़ेगा। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए। भाजपा और हजगोई गठबंधन टूटने के बाद में अब जन चेतना पार्टी और हजगा साथ में आ चुकी हैं। अब ऐसे में महागठबंधन के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि दोनों ने खुद ही कबूला भी है कि जिसकी सोच हमसे मिलेगी उसको साथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं है। और चलिए, इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, आप लगातार देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार। दीवारों में आ जाएगी जान जब उन पर लगेगी अर्थ पीओपी। दीवारों को बनाए मजबूत अर्थ पीओपी से। हरियाणा की माटी से जुड़ा किसानों की सुनने वाला, किसानों की बोलने वाला, किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला, किसानों के सुख दुख का साथी, जनता टीवी आपकी ताकत। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए, हम कहें कि आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता, युवाओं को रिझाने की कोशिश, गंदा पानी दुकानों के आगे, कार्यकर्ताओं की बैठक, लोगों ने दुकानें बंद कर प्रशासन, एक शादी और उनसे जोड़कर निकाह की बात, रैपिड मेट्रो में साइकिल करना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली, इसी बात का उन्हें कहीं ना कहीं मिला। ये हरियाणा का इतिहास,